नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम बात करने जा रहे हैं लखा सिंह की। कौन लखा सिंह? 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश। और ज्यादा जानना चाहें तो यही दरअसल मास्टरमाइंड है दिल्ली में जो हिंसा हुई है, और इन सारी चीजों से इतर जिस तरह से पुलिस की पकड़ से बाहर है। 20 से 25 दिन का लगभग वक्त हो चुका है जब पुलिस लगातार तलाश कर रही है लखा सिंह कहाँ है। हम लखा सिंह तक पहुंच क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि आपने देखा 26 जनवरी को जो कुछ हुआ, चाहे लाल किले में हमने देखा, ITU के आसपास देखा, इसके अलावा भी दिल्ली के इर्द गिर्द अलग अलग बॉर्डर्स पे हमने देखा, चाहे मैं सिंघू की बात करूँ, टिकरी की बात करूँ, इसके अलावा जो गाजीपुर बॉर्डर था उसकी बात करूँ, ये सारी की सारी चीज़ें हमने होती हुई देखी। और इन सारी चीज़ों का एक जो मास्टरमाइंड था वो लखा सिंह था। वो एक बार फिर से कह रहा है कि भटिंडा के इलाकों में जो है 23 तारीख को वो एक बार फिर इसी तरह की एक रैली करवाने जा रहा है। नाम रैली का दिया गया था, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो हम सब ने बहुत अच्छे तरीके से देखा कि क्या कुछ हुआ। तो ऐसे में अगर भटिंडा में भी यही कुछ होता है तो फिर निश्चित तौर पर जो पकड़ है लखा सिंह के ऊपर वो और तेज करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक लोग जवाब मांग रहे हैं कहाँ है लखा सिंह, क्यों अब तक उस तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो वीडियो उसने पोस्ट किया ना, ये कहीं टेंट में भी बैठकर किया है, सराउंडिंग्स देखकर साफ तौर पर समझा जा सकता है। लेकिन इन सारी चीजों से इतर एक सवाल और कि क्या इसके पीछे लखा सिंह ही है या कोई और भी है इन सारी की सारी साजिशों के पीछे, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जब तक इसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी तब तक हम पूर्णतः ये नहीं कह सकते हैं कि लखा सिंह ही 26 तारीख का एकमात्र मास्टरमाइंड था। वो उन सब में से एक था, इसकी हम गारंटी ले सकते हैं, लेकिन क्या वही था, इसमें अभी भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूं। आप जरूर बताइए कि लखा सिंह को लेकर पुलिस की जो अब तक की हमने कार्रवाई देखी है उसको लेकर के आप कितने संतुष्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।